मेरा नाम अब्दुल कलाम है। अच्छा, और मैं इंदिरा जी का औलाद हूँ और मैं देश के प्रति सोचता हूँ, देश के बारे में सोचता हूँ कि मेरा भारत एक सोने की चिड़िया थी, आज मेरा भारत गुलामी की जंजीर पर झेल ले। मानता हूँ इस बात को, लेकिन आज भारत में महंगाई चरण की सीमा पार कर रही है। अच्छा। इसके बारे में राजनाथ सिंह और योगी मोदी अमित शाह और राष्ट्रपति, इसके बारे में कोई खबर नहीं है इन लोगों को। वहाँ देखा था भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभु सारे वक्त गोरखपुर के जीआईडी गेट पे हम खड़ा बानी। जीआईडी गेट गोरखा रेजिमेंट जौन देश के सेवा करे ले, सबसे बड़ी सैनिक के मानल जाले, जौन बॉर्डर पे मोर्चा संभाले ले। लेकिन वह गेट पे एक अजीब व्यक्तित्व हमें नजर आयल। अजीब व्यक्तित्व ही कि हाथ में तिरंगा, जहाँ भी केहू तिरंगा लेके चले ला तो सम्मान के बात हो जाले, और वो सम्मान खातिर हर आदमी झुक जाला देश के सम्मान खातिर। तो एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा जौन देश के गौरव है, राष्ट्र के गौरव है, राष्ट्र के प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन अजीब एक ऐसा गन भी बनौले बाड़न जेके हम देखा तानी कि इनके एक तरह से वर्दी, अपन वर्दी टोपी और एक तरह के गन, इनकर गन देखा तानी। तो आप सब के हम चाहते हैं कैमरा पर्सन दिखाएं इनका गन और ये झंडा लेके चला ताना। इनसे हम जानल जाए कि आखिर इनका राज क्या बा, ये तरह से अपन ही रूप बना के चला ताना, हाथ में माता भारतीय का जौन ध्वज बा तिरंगा ओके लेके चला ताना। तो इनसे खुद ही हम जानब और आप सबके बताए बा, देखल जहाँ इनका नाम का बा। स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम पर, क्या नाम बा आपके? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। अच्छा, और मैं इंदिरा जी का औलाद हूँ। इंदिरा जी का औलाद आप? ये कैसे? मैं बता रहा हूँ, मैं उस समय कहानी है जब भारत के बॉर्डर पर चीन ने आक्रमण किया था, उस समय इंदिरा जी मुझे इसे यहीं हेलीकॉप्टर से यहीं रामगढ़ ताल में फेंका गया, और 1962 की ये कहानी है। और मैं देश के प्रति सोचता हूँ, देश के बारे में सोचता हूँ कि मेरा भारत एक सोने की चिड़िया थी, आज मेरा भारत गुलामी की जंजीर पर झेल रही है। ऐसा कहें ऐसा तो आप भारत बहुत आगे गए, जहाँ से आप बात करते हैं वहाँ से भारत बहुत आगे चल गए। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आज भारत में महंगाई चरण की सीमा पार कर रही है। अच्छा। इसके बारे में राजनाथ सिंह और योगी मोदी अमित शाह और राष्ट्रपति, इसके बारे में कोई खबर नहीं है इन लोगों को कि भारत में गरीब कैसे जिएगा। अच्छा। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं देश के लिए मरता हूँ और गरीबों के लिए भी मरता हूँ। देश खातिर गरीब जो देश के गरीब बने, वो देश के सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार राशन देती है, किसानन के अनुदान देती है। आप मुझे हर चीज पता है, लेकिन एक बार राशन बंद हो गई फिर राशन चालू किए। अच्छा। मैं वो भी खबर रखा हूँ। अच्छा। और जब गुजरात में योगी गए थे, गुजरात कहते बंगाल में, तो योगी क्यों वहाँ से भाग आए? अच्छा। ये अपना ताकत दिखाने गए थे बंगाल में, लेकिन इनकी ताकत नहीं चली योगी की, और मुंह काला करके योगी चले आए गोरख। आपके बात के समझाला, आपके बात के सुनाला, आपके तो लोग पता नहीं, आप जो हिसाब से गरीबन का लोगन का आवाज उठा होते हैं या ये तरह से चैलेंज करते हैं गोरखपुर में, आपके समझे वाले कितना लोग माने? अरे बहुत से लोग हैं। मैं इंटरनेट पे मीडिया वाले से कह चुका हूँ, एक बिहार के थे, बहुत अच्छे इंसान थे, जो मेरा वंशक्ति में इंटरव्यू लिए और मेरा इज्जत भी किए। आपका इज्जत तो हम कर रहे हैं, हमारे भोजपुरी न्यूज टाइम का दर्शक लोग करता, हमारे चैनल करता, लेकिन आप सबसे बड़ा राज ही बताएं कि एक गन का क्या खासियत भाई, जो गन लेके चला था इतना वजन आप ढोवत हैं, आई कितना दिन से ढोवत हैं, फिर एक मतलब कहाँ निकला था? मतलब इसका मतलब बाबू यही है कि मैं एक भारत में एक जागरूकता पैदा करता हूँ, ये राष्ट्रीय ध्वज लेके चलता हूँ कि आप लोग सोए हैं मैं जगाता हूँ। अच्छा। और देश में एक राजनीति नहीं कहते इसे, कबो का कबो का आप सैनिक में रहल बनी का सैनिक सेवा कर ले। हाँ, 1900 मैंने जब मुझे कोई पाला था वही लेके गए थे आसाम राइफल। अच्छा। और वही मुझे वहाँ पर भर्ती करा दिया। अच्छा, आसाम राइफल में सेवा कर चुका। हाँ। तो आप रिटायर हो गए नहीं कि छोड़ के आ गए? नहीं, रिटायर हो गया बाबू, रिटायर हो गए। ले तो तब से ही नकली बंदूक बना ले ये? हाँ बाबू, ये कि अपने हाथ से। अच्छा। अपना दिमाग से बनाया। हाँ। और सक्सेस भी हो गया। क्यों आपके अनुदान कहीं, आपके सेवा के कहीं मतलब?
मुझे अनुदान वही मिला हाँ। जो बनशक्ति में मेरा इज्जत किए बेचारे हाँ। बिहार के थे हाँ। वो मेरा इंटरव्यू लिए, पूरा घूम घूम के मेरा फोटो लिए हाँ। और उसके बाद सब कहानी मैंने बताया उनको हाँ। उसके बाद मुझे वो पैसे दिए और धन्यवाद मैंने किया। आपके पैसा भी दिया ना जी। अच्छा। बहुत इज्जत किया बेचारा हाँ। तो आपके और औलाद औलाद लेके हुए क्या? मेरे कोई नहीं औलाद हाँ। मेरी माँ भी मर गई, इंदिरा जी थी हाँ। और मेरे दो भाई भी मर चुके। इंदिरा जी इनका माता जी रही, अम्मी जान थी हाँ। और अब्बू जान कौन थे? फिरोज खान। अच्छा। जिसका नाम था फिरोज खान हाँ। और उनका नाम रखाया गया। इंदिरा जी के तो सुने में आया कि दुई लड़के संजय गांधी और राजीव। मुझे किसी को खबर नहीं है तो क्या जानेगा दुनिया, ये बातें है ना बाबू। आपका सकल सूरत भी तो नहीं मिला था इंदिरा गांधी एकदम, जैसे राजीव गांधी और संजय गांधी का फोटो रखा था, अभी दिखा देता है हाँ। लेकिन हाँ। है नहीं मेरे पास, अभी दिखा देता हूँ हाँ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी वर्ड बोलूंगा तो सच बोलूंगा। अच्छा। हाँ बाबू, और कुछ बात नहीं। बाकी आपके दुनिया में केहू नहीं बजे रहल खत्म, बस खेला खत्म है। कैसे खाए खाना में? कैसे खाना कैसे खाता हूँ बाबू, पब्लिक सेवा करती है तो मैं जीता हूँ, और कोई बात। आपका आसियाना कहाँ बा, कहाँ रहे? मैं महादेव झारखंडी मंदिर में रहता हूँ, और कहीं रहता भी नहीं। यहाँ से 5 बजे मैं झंडा बांध देता हूँ हाँ। और उसके बाद वहाँ चला जाता हूँ मंदिर। और तीन भाई से घूमे ली टहरे ली हाँ। और लोगन के जागरूक करे हाँ बाबू, यही काम करता हूँ, और कोई काम नहीं करता। चोरी चमारी आज देश के सैनिक के का कहल चाहिए, जो रक्षा बॉर्डर पे खड़ी बा सैनिक। देश के सैनिक ही देश को संभाले, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं रहता है। ये बॉर्डर पे नहीं रहे लोग तो कहानी नहीं बने। देश के लिए जान दे देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन आर्मी ऐसी पार्टी है जो कोई पार्टी नहीं है। आर्मी जैसे जवान फौजी हाँ, जिसे फौजी कहते हैं, आर देसी भग जाते हैं, लेकिन आर्मी वाले भगते नहीं है। जो गोरखा है वो भगता नहीं है, वो जान ने उछावर कर देता है। देसी तो भग जाते हैं जब मौका। देखिए अपने तमाम भोजपुरी दर्शक के हम दिखा होते हैं कि गोरखपुर में इनका नाम बा अब्दुल कलाम, और ये बताओ था ना कि अब इनके बात में सच्चाई कितना बा, अब वो आप जन्मे ये बताओ था ना कि हम इंदिरा गांधी के औलाद हैं और हम इंदिरा गांधी हमार माता जी रही, लेकिन अब नाई बारी। यो बताओ था ना कि असम राइफल में ही सेवा कर चुकल बाना, और रिटायर होके जब से रिटायर भइल बाना तब से ही हाथे में तिरंगा लेके और देश के सेवा कैला खातिर लोगन के जागरूक करता ना। लोगन के जागरूक करके बताओ था ना कि कौन तरीके से देश का सेवा होले, तो ये मौके मौके सबके जागरूक करता ना, और सरकार के भी चैलेंज कराता ना, ललकारत भी बाना कि महंगाई चरम सीमा पे बा, तमाम तरह के बात बतौलना है। इनके बात में सच्चाई कितना बा, इत्तफाक आप लोग रखत आने कि नहीं ये आप जन्मे हैं। लेकिन भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शक के गोरखपुर से अब्दुल कलाम से मिलवानी है। देखत रहें भोजपुरी न्यूज़ टाइम, कैमरा पर्सन चंदन संघ, हम शंभु शरण।